हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि आज ये व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टरनून में। आज यूजुअली हम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, बट आज हम आफ्टरनून में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी लंच वंच सब हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए। शॉपिंग नहीं, मेरे लिए नहीं, भैया भाभी लोग, क्योंकि मेरा फैमिली अभी एक ट्रिप प्लान किया है। वो लोग जा रहे हैं बाहर, हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम रिसेंटली ट्रिप से आए हैं दार्जिलिंग का, और अभी मेरे पास बहुत सारा काम भी है तो हम अभी जाएंगे नहीं। बट हाँ, हम 2 महीने के बाद का एक ट्रिप है मेरा जो कि बहुत बड़ा है, इसीलिए हम अभी शांत हैं क्योंकि कुछ बड़ा आने से पहले थोड़ा सन्नाटा अच्छा लगता है, वरना अभी फिर ट्रिप में जाएंगे फिर बाद में ट्रिप प्लान करेंगे, मेरा घर वाला ऐसे हमको यहाँ से उड़ा देगा कि कितना ट्रिप जाती है। तो फिलहाल जा रहे हैं मार्केट, फिर मार्केट में पता नहीं क्या क्या लेना है, क्या क्या करवाना है, तो मिलते हैं आप लोग से आगे और आगे दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और इतना ज़्यादा धूप है हमको तो अभी से कैसा कैसा लगता है, बट कोई नहीं, हम पूरा सनस्क्रीन वगैरह लगा चुके हैं और अब जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। बाहर मतलब कि सलून आए हैं जावेद अभी नहीं जा रहे हैं, और प्लस मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह भी है तो मैं नहीं जा रही, बाकी दोनों जन जा रहा है तो जोर शोर से शॉपिंग कर रहा है। तो हम लोग फाइनली आ गए शॉपिंग करके और अभी बज रहा है रात का 9:15। हम लोग गए थे 4 बजे और लौटे, अभी बहुत लंबा शॉपिंग था आज हम लोग का, तो अभी बहुत थक गए हैं। फिलहाल जा रहे हैं, चेंज करते हैं, फिर डिनर विनर करते हैं, फिर डिनर के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो अभी हम हो चुके हैं फ्रेश और इतना गर्मी है, मतलब फ्रेश होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और आज तो पता नहीं इतना ही गर्मी था, 42-43 टेम्परेचर था आज का, और पता नहीं कितना बार और कहाँ कहाँ से लू लगा होगा आज, पता नहीं, बहुत ही गर्मी, बहुत ही दिमाग ख़राब गर्मी है। अप्रैल में ये हाल, अभी तो मई जून बाकी है, पता नहीं क्या होगा। तो मेरा तो सोच सोच के कलेजा ऐसा धक-धक आता है, बट कोई बात नहीं। तो अभी जा रहे हैं, अभी कुछ खाने का वैसा मन नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी में बस प्यास लगता है। तो हम जा रहे हैं एक ड्रिंक बनाने जो कि आलमंड और कुछ कुछ को डाल के बनाएंगे, तो अगर अच्छा लगेगा तो कैमरा के सामने लाएंगे और अगर अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं बताएंगे। तो फिलहाल सब कुछ हो गया, हम जा रहे अभी बनाते हैं, बाकी भैया लोग का भी पैकिंग वगैरह चल रहा है, वो ही गया ऑलमोस्ट कम्प्लीट, वो लोग कल निकल जाएगा। तो वो लोग जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, हम गए हुए ऑलरेडी वहाँ, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल जाते ड्रिंक बनाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली हम अपना ड्रिंक पी लिए, और ड्रिंक को कैमरा में इसलिए नहीं लाए क्योंकि ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना था तो इसलिए नहीं लाए, बट अगला बार और अच्छा वाला बनाएंगे और फिर वो वाला आप लोग से शेयर करेंगे, जो पीने में भी अच्छा लगे तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं थोड़ा देर पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ाई करने के बाद 11:30 बजे छत जाएंगे, फिर 11:30 से 12:30 बजे तक छत पर रहते हैं, फिर लौटते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो और एक चीज़, अभी रिसेंटली ये फ़ोन स्टैंड विथ रिंग लाइट ये मेरे भैया खरीद के थे, उसको भरोसा है कि कभी ना कभी मेरी बहन का यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, बट पता नहीं, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है बनाने में और टाइम पास भी हो जाता है तो इसलिए बनाते भी हैं। और बहुत जल्दी मेरा 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी बहुत बेसब्री से हमको इंतज़ार है 500 सब्सक्राइबर्स का, तो धीरे धीरे ग्रो होगा। और किसी ने तो मुझे बोला है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो बस उसी प्रोसेस में। तो अगर ये वाला हम जिस दिन मेरे भैया मेरे को ये वाला ला के दिए ना, तो हम सोच रहे थे कि काश ये रिंग लाइट मेरे पास 2018-19 में होता, जिस समय वो ट्रेंड था ना, मेरी प्यारी प्यारी दो अंखियाँ वाला सब, उस समय करते होते तभी हम तो दुबई से बना रहे होते वीडियो, बट कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम जाते हैं छत।